हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। और देख सकते हैं आप लोग के सामने ओरपेट कंपनी का रूम हीटर है, जिसे हम निकालते हैं बाहर कार्टून से। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कस्टमर है, कस्टमर ने सारे रॉड को निकाल उकाल के लाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को पहले मैं पूरा हीटर दिखा देता हूँ किस तरीके का है। और देख सकते हैं किस तरीके से खुला हुआ है सारा चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसको हम न्यू ट्यूब डालेंगे इसमें दोनों, और अंदर का वायरिंग वगैरह भी देख लेंगे। तो चलिए पलटते हैं पीछे की साइड, और ये देख सकते हैं जो ये हॉल टाइप का दिख रहा है आप लोग को, इसमें जो है स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू हम खोल लेंगे। और ये देख सकते हैं पीछे मछली के टाइप का कटिंग दिया हुआ स्टैंड, इसको भी ओपन करेंगे। ये लॉक टाइप का रहता है, इसको इस तरीके से निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। निकालने के बाद जो है फ्रेंड्स, ये साइड में रख लेना है, और इसमें जो है स्क्रू दिए हुए हैं, देखिए दो इधर दो इधर, तो इन स्क्रू को भी खोल लेना है। तो चलिए हम खोल लेते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। ये फ्रेंड्स, जो बड़ा स्क्रू ड्राइवर है वो होल में नहीं जा पाता है, इसलिए हम टेस्टर से खोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। तो देख सकते हैं हमने स्क्रू आधा खोल लिया है और खोल रहे हैं। तो देख, चलिए फ्रेंड्स इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा वायर हटा हुआ है, और ये पीछे देखिए जो किस तरीके से खुला हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो स्टील का यह प्लेट जो दिख रहा है टीन का, इसे हम खोल लेंगे। ये स्क्रू हो गया, और एक नीचे साइड दिया हुआ स्क्रू, इसको भी खोलेंगे। और ये जो टीन जो है, हम इसको उठाएंगे, और इसमें देख सकते हैं इसका जो लॉक वगैरह का जो भी सामान है, इसे बाहर कर लेंगे। और फिर हम उसी तरीके से इसको बिठा देंगे। और ये जो देख सकते हैं प्लास्टिक के कुछ लॉक हैं, जो टीन का गैप, जाली से गैप बचाए रखता है, तो इस तरीके से लगा लेना है लॉक को। इसके ऊपर जो है स्क्रू टाइट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लॉक बिठा दिया हमने, और ये स्क्रू टाइट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी होगा हम लोग पूरा वीडियो में आप लोग को पूरा वीडियो दिखाएंगे, कुछ आप लोग से नहीं छिपाना है। स्क्रू भी है तो स्क्रू भी आप लोग के सामने ही टाइट करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास न्यू हीटर का रॉड है, और इसको जो है इस तरीके से लगा देंगे। देखिए आप लोग को पूरा दिखाते हैं, ये देख सकते हैं जो हॉल दिख रहा है, हॉल में इसको डाल देना है ट्यूब को, चिकनी मिट्टी। देख लीजिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो कुछ इस तरीके से लॉक में बिठा देना है ट्यूब को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका लॉक बिठा लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बिठाना होता है। अंदर से फ्रेंड्स टेस्टर या पतला पेचकस से आप लोग पत्ती को मोड़ सकते हैं, ताकि लॉक आराम से लग जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला रॉड लग चुका है, और ये हम दूसरा रॉड लगाने वाले हैं। आप लोग चाहें तो एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसे, या तो रड भी बोल सकते हैं, या ट्यूब भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हीटर ट्यूब भी बोला जाता है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला भी कुछ इस तरीके से लगा लेना है, जिस तरीके से हमने पहला लगाया उसी तरीके से सेम टू सेम लगाना है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने लगा लिया है। चलिए फ्रेंड्स इसका वायरिंग भी कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये फ्रेंड्स न्यूट्रल हो गया और ये स्विच से कनेक्शन रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम बंद कर लेते हैं और स्क्रू भी कस लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने स्क्रू कस लिया है और ये मछली वाला जो है ये लॉक टाइप का रहता है, इस तरीके से इसे बिठा देना है। दबाएंगे खुद ही बैठ जाता है ये, और ये कुछ इस तरीके से रहता है। चलिए फ्रेंड्स हम चालू करते हैं। ये देख सकते हैं हमने पलक लाया, सीरीज में लगाया है और ये पहले सीरीज से चेक करेंगे। ये देखिए ठीक है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे डायरेक्ट लाइन सप्लाई देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ हीट आ रहा है, रेड कलर का जल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? तो चलिए फ्रेंड्स ऐसा ये क्यों हुआ इन्वर्टर पे बताओ, था, इसलिए अच्छे से लोड नहीं लिया कमेंट था। में ये देखिए लिखेंगे फिर खुशी अब से हमने देखेंगे मेन तो ऑफिस टाइम लाइट पे दे तुम दी करते है हो। बिजली। मैंने यार सिर्फ तो ये सीन देख देखा सकते था, हैं तुम कितना अच्छे से बहुत हो सीन। रही है। हाँ वही।